हेलो वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल डिजो मेनिया। जानते हैं भाई आपको, मेरा नाम है अखिलेश त्रिपाठी। इंग्लिश वगैरह के वीडियो मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है और केदम सर द्वारा आपको जीएस के, रीजनिंग के, मैथ्स आदि के वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। देखिए भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि ईडियम्स के कुछ वीडियो भी सर प्रोवाइड कराएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में ईडियम्स का बहुत ही स्पेशल रोल है। अब तो एनडीए में भी ईडियम्स पूछे जाने लगे हैं, तो इन सबको देखते हुए ईडियम्स अपने आप में विशेषता भी रखते हैं। भाई इंग्लिश में अगर आपको ईडियम्स नहीं आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लैंग्वेज प्रॉब्लम आती रहती है, इसमें प्रॉब्लम होती रहती है। तो चलिए भाई, हम लोग बिना भी देरी करते हुए ईडियम्स को स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए, ये टॉप 10 ईडियम्स मैंने आपके सामने आज लिखे हैं। इनमें मैंने उन ईडियम्स को लिखा है जिनका लगभग मीन जो है सेम होता है, ताकि आप क्या है कि हैं तो ये 10 लेकिन इनमें करीबन नहीं तो आपके 15-16 तक तो क्लियर हो ही जाएंगे। इस तरीके से मैंने इसको लिखा है। तो चलिए भाई, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई जरा देखिए, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, होल्ड वंस जॉ या होल्ड वंस टंग। देखिए, होल्ड वंस जॉ और ये टंग लिखा हुआ है। टंग जानते हैं भाई आप, जीभ होता है, टंग माने जीभ भी होता है, टंग माने भाषा भी होता है, मदर टंग मातृभाषा और टंग माने जीभ, तो सभी लोग जानते हैं। और जिप वंस लिप, देखिए जिप लगाना मतलब चैन लगाना होता है, जानते हैं भाई आप, और लिप माने जानते हैं होंठों पे। तो आप लोग समझ गए होंगे कहीं ना कहीं। होल्ड वंस जा, होल्ड माने पकड़ना, जा माने जबड़ा, किसी का जबड़ा पकड़ लेना, या टंग, टंग माने जुबान, जीभ पकड़ लेना भाई, किसी का जबड़ा पकड़ लेना या जीभ पकड़ लेना, इसका मतलब क्या भाई, किसी का जबड़ा पकड़ लिया या उसकी जीभ पकड़ ली माने उसकी बोलती बंद कर दी। तो ये होता है भाई बोलती बंद कर देना, कुछ ऐसा बोल देना जिससे व्यक्ति की बोलती बंद हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ही आपको प्रवचन दे रहा हो और आप कहीं उसकी पुरानी गलती उसके सामने बोल देते हैं भाई, तो तुरंत होल्ड वंस जा या होल्ड वंस टंग किया भाई आपने, उसकी बोलती बंद कर दी। और वही लिखा जिप वंस लिप, क्या होता भाई जिप वंस लिप, तो जिप वंस लिप मतलब क्या भाई, होंठ पे चैन लगा दी, मतलब क्या भाई कि उसको बोलना बंद कर दिया। तो होल्ड वंस जा, होल्ड वंस टंग और जिप वंस लिप, तीनों मतलब होता है क्या भाई आपका, बोलती बंद कर देना। क्या होता है बच्चों, बोलती बंद कर देना। सबसे पहले क्या है, होल्ड वंस जा, होल्ड वंस टंग और फिर क्या भाई आपका, जिप वंस लिप, तो ये होता है बोलती बंद कर देना। आगे देखते हैं भाई, आगे लिखा एज डेफ्ट एज अ ब्रश और गॉड्स एप। देखो भाई, डेफ्ट का मतलब ही होता है बेवकूफ, मूर्ख, जो मूर्ख है बेवकूफ है इसको बोलते हैं डेफ्ट, और एज डेफ्ट एज अ ब्रश का मतलब हो जाता है कुछ ज्यादा ही मूर्ख, तो इसको हम बोलते हैं महामूर्ख, कुछ ज्यादा ही मूर्ख है बिल्कुल। ब्रश मतलब जानते हैं भाई कि ब्रश के तरीके, जो जब जानते हैं अब जो टूथब्रश होता है जब वो फैल जाता है, जब कुछ दिन को आप यूज कर लेते हैं और फैल जाता है, वैसे ही बिल्कुल उसके बाल है, किसी व्यक्ति ऐसे बाल करके घूम रहा है, इसका मतलब वो महामूर्ख टाइप का लगता है। तो एज डेफ्ट एज अ ब्रश माने होता है महामूर्ख, और फिर गॉड्स एप, गॉड माने भगवान का, एप माने होता है लंगूर, इसको एप ही बोलते हैं, और जिसको भगवान ने लंगूर बना दिया भाई, तो ईश्वर ने ही लंगूर बना दिया, तो ये क्या भाई, ये जन्मजात मूर्ख है। तो गॉड्स एप का मतलब हो जाता है आपका जन्मजात मूर्ख। देखिए एज डेफ एज अ ब्रश माने भी होता है मूर्ख और गॉड्स एप माने मूर्ख होता है, लेकिन अंतर बस इतना कि ये महामूर्ख कुछ ज्यादा ही मूर्ख है भाई गॉड्स एप। जैसे हमारे कुछ नेता है बड़े महामूर्ख टाइप के हैं, आलू के जो है फैक्ट्री लगा देते हैं, आलू से सोना बनाने मशीन लगा देते हैं, तो ये एज डेफ एज अ ब्रश है भाई, महामूर्ख है भाई, और ये महामूर्ख नहीं, ये गॉड्स एप है भाई, जन्मजात मूर्ख है, ये जन्म से ही मूर्ख है, मतलब ऐसा नहीं कि ये बाद में कुछ समय बाद ये मूर्ख बने हैं, ये पैदा इसी मूर्ख है भाई। तो ये हो जाता है गॉड्स एप, मतलब होता है जन्मजात मूर्ख। आगे देखते हैं भाई, आगे लिखा एप्पल ऑफ आई या ब्लू आइड। देखिए एप्पल ऑफ आई या ब्लू आइड माने होता है बहुत प्यारा। देखिए एप्पल ऑफ आई आप जानते हैं भाई, एप्पल ऑफ आई माने होता है आंख का तारा, तो आंख का तारा है भाई कोई, इसका मतलब ब्लू आइड है भाई, बहुत प्यारा, ब्लू आइड बॉय बहुत प्यारा लड़का, ब्लू आइड गर्ल बहुत प्यारी लड़की, हर लड़का लड़की अपने माता पिता के लिए ब्लू आइड ही है भाई, चाहे वो कैसा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो नाटा हो, चाहे लंबा हो, चाहे जैसा भी भाई, तो हर माता पिता के लिए अपना पुत्र पुत्री जो भी भाई वो ब्लू आइड बॉय ब्लू आइड गर्ल्स है भाई उनके लिए, तो ब्लू आइड माने होता है बहुत प्यारा। एप्पल ऑफ आई और ब्लू आइड, क्या पढ़ा भाई आप लोगों ने, एप्पल ऑफ आई और ब्लू, एप्पल ऑफ आई और क्या ब्लू आइड बॉय, तो एप्पल ऑफ आई या ब्लू आइड मतलब हो जाता है बहुत प्यारा, आंख का तारा। देखो बेटा ब्लू आइड माने तो होता है बहुत प्यारा, लेकिन एक चीज याद रखना, एक होता है ग्रीन आइड, ग्रीन आइड ये कौन होता है भाई, ग्रीन आइड, देखिए ग्रीन आइड वो होता है जो जलन की भावना रखता है, जो दूसरे से ईर्ष्या रखता है, जेलस रखता है भाई, ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन आइड, ये याद रखना भाई। ब्लू आइड माने बहुत प्यारा, देखिए बिना देखे बताना कहीं ना कहीं, आप लोग कोशिश करिए बिना देखे बोले भाई, तो ब्लू आइड माने क्या होता है भाई आपका, बहुत प्यारा, ब्लू आइड माने क्या होता है भाई आपका, बहुत प्यारा, और ग्रीन आइड जो दूसरों से जलन की भावना रखता है भाई। तो अगर आपने कहा ये मेरे लिए ब्लू आइड है भाई, ब्लू आइड बॉय ब्लू आइड, इसका मतलब बहुत प्यारा है, लेकिन ग्रीन आइड पर्सन है इसका मतलब क्या, दूसरों से जलन की भावना रखने वाला, द्वेष की भावना रखने वाला, ये होता है आपका ग्रीन आइड। तो ये आपका ग्रीन आइड हो गया भाई, और एप्पल ऑफ आई ब्लू आइड माने जानते हैं भाई आप लोग, आंख का तारा होता है, एज डेफ एज ब्रश माने होता है महामूर्ख, और गॉड्स एप माने होता है जन्मजात मूर्ख।
होल्ड वंश जाए, होल्ड वंश टंग जिप वंश सिपाने क्या होता है बच्चों, बोलती बंद कर देना, किसी को शांत कर देना, बिल्कुल ऐसा बोल दिया शांत होगा, बिल्कुल बोलती बंद कर दे भाई। आगे देखते भाई, गेट द बूट, गेट द से, गेट द एक्स। देखिए गेट द बूट, बूट माने जानते हैं जूते, आपने किसी को उसके जूते उठा के दे दिए, आपकी फैक्ट्री में कोई कार्य करता है तो उसके जूते उठा के दे दिए, भैया ऐसा है ये ले जाओ, या जूते पहनो आप निकलो यहां से, माने उसको नौकरी से आपने निकाल दिया, यही होता है भाई आपका गेट द बूट, आपने उसको जॉब से एक्सपेल कर दिया, डिसमिस कर दिया, फायर कर दिया, कुछ बोल कर सकते हो यहाँ पे। तो ये होता है आपका गेट द बूट, गेट द से और गेट द एक्स। तो गेट द बूट, गेट द से, गेट द एक्स माने क्या होता है भाई आपका नौकरी से निकाल देना होता है, जॉब से निकाल देना होता है। गेट द बूट, गेट द से, गेट द एक्स, एक्स माने जानते हैं भाई आप लोग खिलाड़ी होती है, छोटी खिलाड़ी के लिए एक्स लगाते हैं। तो गेट द बूट, गेट द से, गेट द एक्स माने होता है नौकरी से निकाल देना। कॉक एंड बुल स्टोरी जरा देखिए भाई, कॉक माने मुर्गा, बुल माने सांड, और मुर्गे और सांड की कहानी, कोई कहे कि एक मुर्गा था सांड थे, दो अच्छे अच्छे दोस्त थे, कभी मुर्गा सांड के ऊपर बैठ जाता था, कभी सांड मुर्गे के ऊपर बैठ जाता था, और वो घूमते, तो मतलब अपने आप में क्या ऐसा हो सकता है भाई, देखिए जानवर कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये कॉक एंड बुल स्टोरी जो भी है, फेबल्स होती हैं, फेबल्स जानते हैं भाई, द स्टोरी विच एनिमल्स कम्युनिकेट वन अनदर, सच टाइप ऑफ स्टोरी इज कॉल्ड फेबल। तो ये फेबल, कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी माने इमेजिनरी स्टोरी, एक काल्पनिक कहानी, एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल काल्पनिक है, इसको हम बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी, कॉक एंड बुल स्टोरी बनाते हैं भाई। कहीं कहीं क्या होता है, कुछ लोग मार खा के आ जाते हैं, चेहरा सूजा हुआ है, पूछा जाता है क्या हो गया, तो वो मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं कि वो गए थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो ये कॉक एंड बुल स्टोरी होता है भाई मनगढ़ंत कहानी। और पल्प फिक्शन राइटर, जरा ये देखिए भाई आप लोग, पल्प फिक्शन राइटर, पल्प फिक्शन जर्नलिस्ट, पल्प फिक्शन रिपोर्टर, पल्प फिक्शन हिस्टोरियंस, पल्प फिक्शन का मतलब मनगढ़ंत कहानी लिखने वाले लेखक, जो पल्प फिक्शन राइटर, देखिए इसके बारे में थोड़ा आपको ज्यादा चर्चा विस्तार पूर्वक बताता हूं। पल्प फिक्शन राइटर, पल्प फिक्शन राइटर वो होते हैं जो मनगढ़ंत कहानी लिखते हैं, जैसे हमारे कुछ जर्नलिस्ट है, कुछ हमारे हमारे क्या वो हमारे तो नहीं बस गया है कि हमारे देश में रहते हैं, वो काम पाकिस्तान वाले ही करते हैं, या फिर वो कार्य करते हैं जो एंटी एंटी नेशनल है भाई, एंटी इंडियन है, एंटी हिंदू है भाई, सबसे बड़ी बात यह है जो खुल के बोलूंगा स्पष्ट रूप से। तो ये पल्प फिक्शन राइटर ये मनगढ़ंत कहानी बना देते हैं, मतलब कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है वहां मनगढ़ंत कहानी बना देंगे कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। जैसे आप देखते रहते हैं ऐसे कई पत्रकार है भाई हमारे यहां पर, तो ये है भाई पल्प फिक्शन राइटर, मनगढ़ंत कहानी लिखने वाले जो पल्प फिक्शन जो ये राइटर्स रिपोर्टर्स हैं जर्नलिस्ट हैं, जो मनगढ़ंत कहानी लिखने वाले ये पत्रकार हैं। इसी तरीके मनगढ़ंत कहानी लिखने वाले बहुत सारे हिस्टोरियंस भी रहे भाई, बहुत सारे इतिहासकार थे हमारे, अधिकतर जो कम्युनिस्ट इतिहासकार थे, तो उन्होंने क्या है भाई पल्प फिक्शन राइटर्स थे, पल्प फिक्शन हिस्टोरियंस थे भाई, वो उन्होंने मनगढ़ंत कहानियां बहुत ज्यादा लिखी, कुछ हुआ था नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने जबरदस्ती उसको लिखते चले गए कि भारतीय इतिहास में ये हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये मनगढ़ंत कहानी लिखने का दौर तो यही है भाई, और वही हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ते भी हैं, उसी हिसाब से हमारी कहीं ना कहीं वो समझ भी रहे हैं भाई, वही समझ भी बनती जा रही, सोच भी बनती जा रही लोगों की। तो पल्प फिक्शन राइटर, पल्प फिक्शन जर्नलिस्ट, पल्प फिक्शन ऑथर, पल्प फिक्शन कोई भी है, पल्प फिक्शन माने जो मनगढ़ंत कहानी लिखे, जो काल्पनिक कहानी लिखता है पल्प फिक्शन। जैसे एक मनगढ़ंत कहानी लिखने वाले जो लेखक थे, जो अमेरिकी राइटर थे स्टैनली, जिन्होंने ये सब किरदार दिए हुए थे कैरेक्टर्स सच लाइक ही मैन, स्पाइडर मैन, बैटमैन, तो ये सब कैरेक्टर्स को उन्होंने जनरेट किया था, वो उनकी कल्पना थी मात्र, उनकी इमेजिनेशन थी भाई। तो ये पल्प फिक्शन राइटर्स हैं भाई, मनगढ़ंत कहानी लिखने वाले लेखक, और वो कहानी जो मनगढ़ंत है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई पल्प फिक्शन, सॉरी कॉक एंड बुल स्टोरी, क्या बोलते हैं भाई इसको, कॉक एंड बुल स्टोरी। और पल्प फिक्शन राइटर आप लोग जानते हैं, जरा एक बार देख लेते हैं, गेट द बूट, गेट द से, गेट द एक्स माने होता है नौकरी से निकाल देना, जॉब से बर्खास्त कर देना, टू एक्सपेल फ्रॉम जॉब ऑफिस और वर्किंग प्लेस जो भी बड़ा कुछ लगा सकते हैं। और एप्पल ऑफ आई ब्लू आई माने जानते हैं बहुत प्यारा होता है, जबकि ग्रीन आई माने क्या होता है बच्चों, जलन की भावना रखने वाला, द्वेष की भावना रखने वाला। एज द टेम्परस माने क्या होता है बताइए भाई आप लोग, हाँ जी महामूर्ख होता है। और गॉड सेफ माने क्या होता है, जन्मजात मूर्ख होता है भाई। ओल्ड वंश जा या ओल्ड वंश टंग या जिप वंश लिप माने क्या होता है, बोलती बंद कर देना, किसी जुबान बिल्कुल शांत कर देना किसी को, ये तो बोलती बंद कर देना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लोज शेव नैरो स्किन बाय द स्किन ऑफ द टीथ। देखिए क्लोज शेव, शेव माने शेविंग करना है, और क्लोज मतलब क्या है कि आप बिना मिरर के, मान लीजिए शेविंग कर रहा था कोई लड़का, बिना मिरर के शेविंग कर रहा था और उसके कहीं पर भी नहीं कटा, उसने बिल्कुल आराम से शेविंग कर ले, तो इसका मतलब ये नहीं उसने जिलेट शेविंग की है तो उसने कहीं कटा नहीं, मतलब ये वो बाल बाल बचा है कि कहीं पर भी वो कटा नहीं भाई, वो आराम से उसने पूरे दाढ़ी बना ले और कहीं पर भी नहीं कटा है। तो ये मतलब क्या है भाई आपका कि वो बाल बाल बचा है भाई, देखिए मैंने दाढ़ी बना ली है, हालांकि मैंने तो मिरर का प्रयोग किया था, लेकिन कुछ लोग बिना मिरर का प्रयोग करके बना लेते हैं, जानते हैं भाई आप लोग, सुनाई है अमीर देर देर से भाती भाती के लोग,
तो यहाँ बात ही बात है कि लोग भाई अलग अलग गुणों से संपन्न है भाई। तो खैर तो ये है भाई आपका क्या क्लोज शेवी थी और एक जगह नहीं कटा, तो इसका मतलब वो बाल बाल बचा, हालांकि बाल तो निकल गए हैं लेकिन फिर भी वो बाल बाल बचा भी क्लोज शेव। फिर नैरो स्केप, नैरो माने सकरा संकीर्ण और स्केप माने प्लाइन हो जाना, निकल जाना, बच निकलना एक तरीके से। तो नैरो स्केप पतली सी जगह से जो बच निकला, कोई व्यक्ति था भाई कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ, कहीं भूकंप आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, बॉम्ब विस्फोट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, कुछ भी हो गया और वो पतली सी जगह थी उससे बच निकला। इसका मतलब क्या है, वो बाल बाल बचा, जैसे कहीं पर एक्सीडेंट होने के चांसेस है, ये बस आ रही है इधर से कोई और वाहन आ, इधर से कोई और वाहन आ रहा है, यहां से एक बाइक आई भाई और वो दोनों एकदम से भिड़ने वाले हैं, तो तब तक पतला सा रास्ता उन दोनों के बीच में बना और उसी बीच से निकल गया। देखते पिक्चरों में देखा हो भाई आप लोगों ने, तो ये क्लोज शेव होता है, ये होता है बाल बाल बचना। समझ नहीं समझ भाई, ये बस आ रही है, ये ट्रक आ रहा है, आपस में लड़ने ही वाले हैं और यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है या कुछ भी है, वो पतली जगह निकल गया, समझ जाइए माध्यम समझदार है, इतनी भी कल्पना आप कर ही सकते हैं। तो नैरो स्केप माने भी क्या होता है भाई आपका, बाल बाल बचना। क्या होता है बच्चों, बाल बाल, पहला क्या है क्लोज शेव और फिर क्या है नैरो स्केप, बोलो क्लोज शेव नैरो स्केप, तो क्लोज शेव नैरो स्केप बोला जरूर करिए भाई, तो क्लोज शेव नैरो स्केप उसके मतलब बाय द स्किन ऑफ द टीथ, बाय द स्किन ऑफ द टीथ, स्किन एंड टीथ नहीं, स्किन ऑफ द टीथ, टीथ की स्किन बात हो रही है भाई, तो बाय द स्किन ऑफ द टीथ माने दांत को छूते हुए निकल आया। जैसे मान लिया कोई चिड़िया घर गया और शेर का जो बाड़ा है भाई, जहां पर शेर है और वहां पर मान लीजिए हाथ ऐसे डाले हुए कुछ भी कर रहा है, होता तो नहीं मान ले रहा है, और मान लीजिए अचानक शेर चीता उसके ऊपर एकदम से हमला किया, एकदम से अटैक किया और उसने अपना हाथ खींचा और ऐसे खींचा कि शेर या चीता के दांत को छूते हुए, बाय द स्किन ऑफ द टीथ, स्किन ऑफ द टीथ समझना भाई आप लोग, स्किन ऑफ द टीथ, दांत की स्किन को छूते हुए बाहर आ गया, इसका मतलब उसका हाथ कैसे बचा भाई, बाल बाल बचा, और हाथ नहीं पूरा ही बाल बाल बचा, क्योंकि हाथ एक बार पकड़ लिया जाता तो शायद पूरा भी अंदर हो जाता, तो ये होता है बाय द स्किन ऑफ द टीथ। तो बोलो क्लोज शेव नैरो स्केप बाय द स्किन ऑफ द टीथ, तो क्लोज शेव नैरो स्केप बाय द स्किन ऑफ द टीथ, देखिए तीनों का अर्थ क्या होता है भाई आपका, बाल बाल बचना होता है। चलिए आगे देखते भाई, आगे देखा बी इन वंस बोनेट, देखिए बी इन वंस बोनेट, तो बी माने मधुमक्खी होती है भाई और बोनेट माने तो ऐसे बोलते हैं भाई जो टोपी होती है जो मिलिट्री वाले पहने उसको बोनेट बोल देते हैं, और बोनेट जो आगे लगा होता है गाड़ी के उसको भी बोनेट बोलते हैं। तो बी इन वंस बोनेट का मतलब क्या होता है भाई, देखिए बी इन वंस बोनेट को ये आपको थोड़ा तैयार करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कुछ, क्योंकि सारे एरिया को समझे नहीं जा सकते। तो बी इन वंस बोनेट माने होता है खड़ूस, फास्टिडियस, फशी, वो व्यक्ति जो बहुत छोटी कमियों पर ध्यान देता है, जिसको प्रसन्न करना बहुत ही कठिन होता है, इसको बोलते हैं बी इन वंस बोनेट। क्या बोलते हैं भाई आप लोग, बी इन वंस बोनेट, इसको बोला जाता है बी इन वंस बोनेट जो फास्टिडियस है, फशी, फास्टिडियस जानते भाई हार्ड टू प्लीज, द पर्सन हु इज वेरी हार्ड टू प्लीज, तो मतलब जिसको प्रसन्न करना बहुत ही कठिन होता है, ये होता है भाई फास्टिडियस। फशी जो माइनर माइनर पॉइंट्स को बहुत ही ज्यादा कंसर्न करता है, बहुत ज्यादा ध्यान देता है, द पर्सन हु कंसर्न इवन अ माइनर फॉल्ट, जो बहुत ही छोटी कमियां है भाई उन पर बहुत ध्यान देता है, इसको हम लोग बोलते हैं फशी। क्या बोलते हैं हम लोग, फशी, कुछ लोग फशी होते हैं भाई, इतना छोटी छोटी कमियों पर ध्यान देते हैं कि उनके साथ अगर कहीं मार्केट गए हो तो आप बिल्कुल दुखी हो जाएंगे भाई, क्योंकि वो पता चले कुछ कपड़ा लेना तो कहीं कहेंगे इसका कलर ऐसा है तो इसका कपड़ा वैसा है, ये टाइट हो रहा है तो ढीले हो रहे, तो ऐसा है तो वैसा है, तो वैसा मतलब दुखी हो जाता है व्यक्ति कहीं ना कहीं। तो ये फशी होता है जो माइनर फॉल्ट को भी फाइंड कर लेता है, सच टाइप का पर्सन जो छोटी छोटी कमियों पर ध्यान देता है, ऐसे व्यक्ति हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फशी। तो बी इन वंस बोनेट माने होता है खड़ूस, फास्टिडियस, फशी। आगे देखिए लीव नो स्टोन अनटर्न मूव हेवन टू अर्थ, देखिए लीव नो स्टोन टू अनटर्न, लीव नो स्टोन, लीव माने छोड़ा, नो स्टोन माने किसी पत्थर को नहीं, लीव नो स्टोन माने होता है किसी पत्थर को नहीं छोड़ा, अनटर्न माने बिना घुमाए, बिना घुमाए कोई पत्थर नहीं छोड़ा, हर पत्थर को घुमाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। पुरानी पिक्चर याद करिए भाई, कुछ पिक्चरों में दिखाया जाता था कि पत्थर घुमा दिया दरवाजा खुल गया, देखा होगा भाई आप लोगों ने, और मान लीजिए एक दरवाजा का एक पत्थर वाला लगा हुआ है और उसके सामने पता चले एक बड़ा मैदान है, उसमें हजारों पत्थर पड़े हुए हैं या फिर मान लीजिए बहुत सारे सैकड़ों पत्थर जो भी पड़े हुए हैं, और एक व्यक्ति ने कहा हमको ये दरवाजा खोलना है, उसने हर पत्थर घुमाया, हर पत्थर घुमाया, किसी पत्थर को बिना घुमाया नहीं छोड़ा, लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न, किसी पत्थर को नहीं बिना घुमाया छोड़ा, इसका मतलब उसने हर संभव प्रयास किया, भरसक प्रयास किया, लेकिन वो कार्य हुआ नहीं हुआ ये तो बात की बात है। तो इधर लीव नो स्टोन अनटर्न माने होता है हर संभव प्रयास करना, मेक एवरी पॉसिबल मींस या मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट्स, मेक एवरी पॉसिबल मींस जो भी है,
तो ये हो जाता है भाई आपका हर संभव प्रयास करना, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मूव हेवन टू अर्थ, हेवन मतलब वही स्वर्ग मतलब आसमान, अर्थ मतलब जमीन मतलब वही पाताल, तो आकाश पाताल एक कर देना बोलते मूव हेवन टू अर्थ, मूव माने जाना, आसमान गया धरती में मतलब आकाश पाताल एक कर दिया, माने हर संभव प्रयास या भरसक प्रयास है जिसको हम लोग बोलते हुए, तो ये तो मूव हेवन टू अर्थ, तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड क्या होता भाई, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड और फिर मूव हेवन टू अर्थ, तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड किया भाई या मूव हेवन टू अर्थ किया, इसका मतलब क्या होता भाई आपका, हर संभव प्रयास करना, भरसक प्रयास करना, जोरदार प्रयास करना, जैसे स्टूडेंट तैयारी कर रहा है एनडीए के स्टूडेंट्स हैं, एसएससी के जो वास्तव में सीएससी तैयारी कर रहे हैं, तो वो मूव हेवन टू अर्थ करते भाई, वो भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हम हो जाए, वो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं भाई, और आपको बता दें हर संभव प्रयास करें तो आपको वास्तव में रास्ता मिल जाएगा, तो थोड़ा कोशिश करिए भाई आप लोग, तो मूव हेवन टू अर्थ और लीव नो स्टोन अनटर्न्ड माने तो संभव हर संभव प्रयास करना, फिर लिखा मेक माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल और स्टॉर्म इन अ टी कप, देखिए स्टॉर्म माने तूफान, टी कप माने होता चाय के प्याले में, और चाय के प्याले में कोई तूफान ला दे रहा है, या मेक माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, मोल हिल जाते हैं, मोल मतलब वही छछूंदर जो होता है जानते हैं आप लोग, और मोल हिल मतलब कि छछूंदर का जो बिल है उससे जो मिट्टी निकली है उससे कोई माउंटेन बनाया डाल रहा है, पहाड़ बनाया डाल रहा है, इसका मतलब भी क्या कर रहा है भाई, छोटी की चीज से बहुत कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, स्टॉर्म इन अ टी कप की टी कप में जो है स्टॉर्म बनाना चाहता है, मतलब ये डिराई का पहाड़ बना रहा है, ये व्यक्ति तिल का ताड़ बना रहा है भाई, तो यही होता है स्टॉर्म इन अ टी कप या मेक माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, मेक माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, जरा आप लोग बोलना भाई क्या होता है ये, मेक माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल और स्टॉर्म नट्टी का पानी होता है राई का पहाड़ बनाना या तिल का ताड़ बनाना होता है, और देखिए भाई आगे लिखा मीली माउथ, देखो मीली मतलब मील, मील माने भोजन, माउथ माने मुंह, तो मुंह मतलब कोई आदमी की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, आदमी और कोई भी है, और मीली मतलब जिसको भोजन मिल चुका है, तो वो व्यक्ति जिसको भोजन मिल चुका है मीली माउथ, देखिये जो मीली माउथ है जिसको भोजन मिल चुका है, तो वो व्यक्ति कैसा होता भाई, बहुत ही प्रेम से बोलता है, कहीं शादी कामकाज में गया और भोजन वोजन बिल्कुल कर लिया है, पैर भी थोड़ा करा लिया है जुगाड़ से, तो वो व्यक्ति बहुत ही प्रेम से बातचीत करता है, जब उसे घर में पहुंचता है सब लोग पूछते हैं कैसा इंतजाम था, बहुत प्रेम, बहुत अच्छा इंतजाम था, बहुत अच्छा था, सब कुछ बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन पता चलता है कहीं गया भाई उसको खाना पीना भी नहीं मिला, तो आते ही आते घर ही गुस्सा करता है भाई, जानते हैं भाई घर में ज्यादातर व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन निकालता है व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं फिर वो गुस्सा करेगा व्यक्ति, चिल्लाएगा, है ना, झल्लाहट में आता है, तो मीली माउथ, मीली माउथ माने क्या हो जाता है भाई, बहुत ही प्रेम से बोलने वाला व्यक्ति जो बहुत ही प्रेम से बोलता है, और इसी बोलते डिम्यूर, डिम्यूर डिम्यूर मतलब भाई बिना मुंह का, डिम्यूर नहीं बिना मुंह का बोल देते हैं हम लोग, अरे बिना मुंह का लड़का है, बिना मुंह का मतलब जो बहुत प्रेम से बोलता है या बोलता ही नहीं है, खैर डिम्यूर माने बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होता है जो बहुत ही प्रेम से बोलता है, इसको बोलते हैं डिम्यूर, तो मीली माउथ जो बहुत ही प्रेम से बोलता है, और मेक माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, स्टॉर्मेट टीका माने क्या होता है, राई का पहाड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मूव हेवन टू अर्थ माने क्या होता है भाई आपका, हर संभव प्रयास करना होता है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मूव हेवन टू अर्थ, भरसक प्रयास करना, बीन मंथ बोल्ड क्या होता है छोटा हो कड़ूस होता है, फास्टिडियस फसी क्लोज शेव नैरो स्केप बाय द स्किन ऑफ द टीथ माने क्या होता है भाई आपका, बाल बाल बचना होता है, क्लोज शेव नैरो स्केप और बाय द स्किन ऑफ द टीथ, याद करिए भाई, तो ये होता है बाल बाल बचना, कॉक एंड बुल स्टोरी मनगढ़ंत कहानी, और पल्प फिक्शन राइटर, पल्प फिक्शन जर्नलिस्ट, पल्प फिक्शन हिस्टोरियंस, ये क्या होता है मनगढ़ंत कहानी लिखने वाले जो लेखक वगैरह है जो हमारे पत्रकार हैं, ये होते हैं पल्प फिक्शन राइटर्स, अच्छा गेट द बूट गेट द से गेट द एग, गेट द बूट गेट द से गेट द एग माने नौकरी निकाल देना, जॉब से बर्खास्त कर देना होता है, एप्पल ऑफ आई ब्लू आइट माने होता है आंख का तारा, एज डेप्ट एज अ ब्रश माने क्या होता है भाई आपका मूर्ख, और गॉड से पे माने क्या हो जाता है भाई आपका जन्मजात मूर्ख, जो जन्म से ही मूर्ख है ये गॉड से, और होल्ड वंस जा होल्ड वंस टंग या जिप वंस स्लिप माने क्या होता है बच्चों बोलती बंद कर देना, तो अब आप लोग बताओ भाई मनगढ़ंत कहानी लिखने वाला लेखक उसको क्या बोलते हैं भाई पल्प फिक्शन राइटर, क्या बोलते हैं हम लोग पल्प फिक्शन, और कॉक एंड बुल स्टोरी माने क्या होता है बताइए भाई मनगढ़ंत कहानी बताइए, जॉब से निकाल देने क्या लगाते हैं, गेट द बूट गेट द सेक और गेट द एग्स, क्या लगाते हो गेट द बूट गेट द सेक और गेट द एग्स, और चलो उसके बाद ये बताइए आप लोग राई का पहाड़ बनाना तिल का ताड़ बनाना, हाँ भाई मेक माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल और फिर स्टॉर्म इन अ टी कप, अच्छा जो जन्मजात मूर्ख है गॉड्स ऐप, क्या होता है भाई इसका गॉड्स ऐप, व्हाट्सएप नहीं भाई गॉड्स ऐप हो जाता है, और उसके बाद देखिए ऊपर लिखा होल्ड वन जा होल्ड वन जा जानते बोलती बंद कर देना होता है, अच्छा ये बताइए जो बहुत ही खड़ूस टाइप का व्यक्ति होता है बीन वंस बोनेट, क्या लगाते हैं उसके लिए बीन वंस बोनेट, तो देखिए भाई मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आपको ये तैयार हो गया होगा, लेकिन अगर नहीं तैयार हुआ तो दोबारा इस वीडियो को देख ले पॉज करके देखिए, और हो सके तो कॉपी में लिखिए जरूर भाई, लिखने का एक अलग अपना ही मजा होता है भाई, अभी ये पार्ट वन है तो अभी से लिखते चलेंगे तो ये भी नहीं होगा कि आपका पिछला छूटा आएगा क्या है क्या नहीं है, सारा कवर होता चला जाएगा, तो इसको आप नोट करिए भाई, उसको तैयार करिए अच्छे से, इसको याद करिए भाई, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करिए भाई, आप लोग शेयर कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं,
तो शेयर जरूर करिए भाई, क्योंकि इससे सभी लोग कई लोगों का लाभ है भाई, जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनका भी लाभ है, और लाभ होना चाहिए भाई, हमें तो ये देखना चाहिए सभी का लाभ हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।